बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों बात यह है, इस वीडियो के अंदर आपको मेरी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही, सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ईद मुबारक। और ये पिक्चर नहीं है, ये वीडियो ही है। देखो मैं आपको हाथ हिला हिला के बता रही हूँ, ये देखो ये वीडियो ही है। इस वीडियो के अंदर ख़ास बात यह है कि आपके भाई ने ना नया माइक ख़रीदा है और बड़ा महंगा माइक ख़रीदा है, तो मैं आज इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये टेस्टिंग टाइम है। और दूसरी बात ये कि आपको पता तो है ही कि भाई हम ई कैट की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। अगर किसी को नहीं पता, कोई पहली मर्तबा आया मेरे चैनल पे, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ई कैट की केमिस्ट्री हमारी चल रही थी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर वन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर वन के अंदर हम अनीस हुसैन की बुक से, ये नज़र आ रहा है आपको, अनीस हुसैन की बुक के हम लोग एम सी क्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। हमारे पता नहीं कोई 35 या 30 के करीब कुछ एम सी क्यूज़ हो गए थे, वगैरह वगैरह जो भी। उसकी वीडियोज़ पहले अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग देख सकते हो अगर नहीं देखी तो। अब चैप्टर वन के जितने रिमेनिंग एम सी क्यूज़ हैं ना, तो वो सारे थ्योरेटिकल हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स टाइप की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने सोचा भाई इतने सारे एम सी क्यूज़ को व्हाइट बोर्ड पर लिखूँ और फिर ख्वारी करके सिर्फ जस्ट बताऊँ, एक्सप्लेनेशन करूँ। इससे बेहतर ये है कि मैं आपको बुक में से ही दिखा के सॉल्व करा दूँ, अपना काम तो चल रहा है ना। तो देखो अब मैं यहाँ से बगैर कोई टाइम जाया कि स्टार्ट करवा रहा हूँ एम सी क्यूज़। देखो यहाँ पर जहाँ पर मेरी उंगली है वहाँ से देखना, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 36 एम सी क्यूज़ हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या फिर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि आप 9th क्लास की डेफिनेशन याद कर लो। 9th क्लास की डेफिनेशन कहती है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका आंसर है। 37 पर आ जाओ, 37 के अंदर लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश, आगे लिखा हुआ है केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो केल्विन में कितने केल्विन होगा। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि जितना भी है तो 100 के अंदर 273 ऐड कर लो, तो ये क्या 373 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 373 केल्विन। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद जाओ 38 पे, 38 पे क्या बोल रहे हैं, देखो मुझे पता है कि ये जो यूज़ कर रहा हूँ ना, हिला रहा हूँ ये पेंसिल कैमरे में देख के हिला रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह से, लेकिन मुझे पता माफ़ कर दोगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये सही है। थर्ड अंदर क्या लिखा हुआ है, विच प्रॉपर्टी इट्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू केमिकल चेंज इज नोन एज। भाई देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज तो अच्छे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल, दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल होती हैं जो आपको बगैर किसी के या बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के पता लग जाती हैं, जो देखने में, सूंघने में में या टेस्ट करने में पता लग जाती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर हो गया या स्मेल हो गई, इसका टेस्ट हो गया, ये रिएक्शन करके देखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको देख पता लग जाता है या सूंघ के या टेस्ट करके पता लग जाता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जब केमिकल रिएक्शन नहीं कराओगे, यानी इसके अंदर केमिकल चेंज करोगे तो पता नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई जिससे केमिकल चेंज के बारे में पता लगता है, या जब तक केमिकल चेंज के अंदर जाए तो फिर उसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में पता लगता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि उसका कंबस्शन रिएक्शन होता है कि अगर आप उसको हीट इफेक्ट होगा वगैरह वगैरह, या आप उसको एसिड के साथ किसी बेस के साथ रिएक्ट, फर्क पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर थोड़ा सा कर लूँ, जूम कर लूँ। देखो भाई अब यहाँ सेकंड रुकना, ये मुझे थोड़ा साउंड को एडजस्ट करने दो। ठीक है भाई, एक सेकंड, ये आओ आओ आओ, हाँ ना। ठीक है, उम्मीद है नज़र ना, बताना मुझे, पढ़ के बता देता हूँ, नज़र आ जाएगा। द बेसिक आई द बेसिक यूनिट ऑफ मास इन ऐसा यूनिट, यानी वो मास का ऐसा यूनिट सिस्टम पूछ, किलोग्राम इतना आसान सा है। ये बोल रहे हैं 5849 इज़ रिटन टू बेस 10, कि मतलब 5849 को कैसे लगता है, बहुत आसान सा है, कैसे दिखाऊं ये लॉग हुआ। यहाँ पर 5849 है ना, ये 5849 अगर नज़र आ रहे तो भाई देखो इसको क्या करोगे आप, 5.849 लिख दोगे, यानी पॉइंट जो था अपने दो तीन पीछे लिख, तो आप जब तीन पीछे लिख रहे होगे तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, और तीन पीछे लेकर आए तो आप क्या लिखोगे, 10.3। तो ये हमारा डी जो 5.8589, सॉरी 849 था, यहाँ पे 849, लेकिन ऑप्शन सारे गलत,
एक्सपोनेंट थ्री वाला देखो, एक्सपोनेंट थ्री वाला ऑप्शन यही है, तो ये वाला आंसर आपका सही है। बार अब देखो उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वन डेसिमल स्टैंड्स फॉर, एक किस चीज़ के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के, या 100 की पावर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, या 1000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, या 100 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आंसर की सही है कि 10 सेंटीमीटर। ये एक रिलेशन लो, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। उसके बाद यार मुझे लग रहा है कि पेंसिल से नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, अगर ना मुझे बताना, मैं अगली वीडियो के अंदर पेंसिल और उम्मीद है सही हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँ कि समझ आ जाए आप लोगों को। ऑलरेडी पेंसिल लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे 42 के अंदर लिखा हुआ है, दी मास यूनिट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन याद कर लो। किसी भी एटम का जब मास निकालना होता है तो उसके लिए एक एटम यूज, वो रेफरेंस एटम होता है कार्बन 12, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा अपॉन 12th मास ऑफ कार्बन 12, यही इसका है। बाकी लिखा है 1 अपॉन मास ऑफ कार्बन 13, ये इसका गलत आंसर है। और लिखा है 1 अपॉन 10th मास ऑफ कार्बन 12, गलत आंसर है। इसका आंसर सही कौन सा है, 1 12th मास ऑफ कार्बन 12, इसका सही आंसर है, ठीक। अब आ जाओ 48.85 कैन बी राउंड ऑफ, 49.85 को कैसे राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो बहुत आसान सा तरीका क्या है कि आपको राउंड पता होने चाहिए। राउंड ऑफ के रूल्स के अंदर ये होता है, अगर 5 से कोई छोटा नंबर है तो आप उसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हो, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो आप क्या करते हो, उस को ड्रॉप कर देते हो और उससे पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर लेते हो। लेकिन अगर आखिरी नंबर 5 होता है, जैसे आखिरी नंबर 49.85 में आखिरी नंबर 5, तो आप क्या देखोगे, अगर 5 है तो 5 से पीछे देखोगे, 5 से पीछे वाला नंबर अगर ऑड है तो उसके अंदर एक ऐड करना पड़ता है। 5 से पीछे वाले नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 49.8, अगर आपको नज़र आ तो। उसके बाद अगर ना नज़र आ रहा हो ना, और अगर वीडियो के अंदर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं आया, तो मुझे बताना भाई, मैं बोर्ड पे दोबारा, व्हाइट बोर्ड पे दोबारा बना दूंगा, खारी कर लूंगा आप लोगों। लेकिन अगर काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बातें आ रही है मेरी, तो ठीक है, अच्छी बात है। 44 के अंदर क्या लिखा हुआ, 44 के अंदर लिखा हुआ है 87.0 हैव डैश फिगर्स, तो आप ये याद कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए है कि आखिरी वाले जीरोस उस वक्त जाते हैं जब नंबर में कहीं पे पॉइंट मौजूद हो। देखो नंबर में पॉइंट 87.0.0 लिखा हुआ है, पे पॉइंट मौजूद है तो आखिरी वाले जीरो भी किए जाएंगे, तो ये चारों नंबर्स काउंट किए जाएंगे, यानी 87.0.0 ये चार डिजिट्स काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके आगे 45 के अंदर द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स इन द कंपाउंड इज कॉल्ड, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन है, बस सिंपल। उसके 46 के अंदर लिखा हुआ है अ केमिकल फॉर्मूला बेस्ड एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई यार ये तो डिफरेंस है, फर्स्ट हमने याद किया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल वो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला होता है, और मॉलिकुलर फॉर्मूला कौन सा होता है, वो एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, याद कर लो, ये दोनों डेफिनेशंस के हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर्मूला वाला। अच्छा 47 के अंदर लिखा हुआ है ये ऑन द फॉरन हाइट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ है ना, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बराबर होता है 32 फॉरेनहाइट के, तो 32 फॉरेनहाइट ये आपको सी नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा सही मेरी उंगली पे। अब उसके बाद आ जाओ 48 के अंदर लिखा हुआ है वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। भाई देखो जितनी भी छोटे छोटे हैं, जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको पूरा पूरा नहीं, बल्कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1.89 एक्सपोनेंट की पावर 13 एक्सपोनेंट की पावर -13 वॉट एवर, जो भी, समझ गए ना मेरी बात। तो उसके बाद 49 के अंदर लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिंगल कंपाउंड, के इन चारों ऑप्शन कौन सा कंपाउंड जो कि सिंगल प्योर कंपाउंड है, मतलब प्योर कंपाउंड है, इसके अंदर कोई शामिल नहीं है। अब देखो इसके अंदर एयर है ऑप्शन, एयर कंपाउंड ही नहीं है, तो एयर तो गलत ही है क्योंकि एयर मिक्सचर है। अब देखो एयर एक मिक्सचर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह शामिल होती हैं जो केमिकली एक दूसरे के साथ करती हैं, तो इसका मतलब वो मिक्सचर, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है ब्रास,
ब्रास भी एक मिक्सचर है, वो किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर का मिक्सचर है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्ट नहीं करते। अब सी वाटर, सी वाटर एक, लेकिन सी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, नमक होता है उसके अंदर, मतलब सॉल्ट एसिड्स पता नहीं दूसरी फलाना कचरा होता है उसके अंदर शामिल, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, खासतौर पर होते हैं तो हमें पता तो है समुद्र का खारा, तो इसलिए वो क्या हो गया, प्योर कंपाउंड नहीं हुआ, इम्प्योर कंपाउंड हो गया। ऑप्शन पर लिखा हुआ है स्टीम, स्टीम क्या होता है, जिसको आपने बॉयल कर लिया होता है होते हैं, अब वो बिल्कुल प्योर कंपाउंड, तो स्टीम इसका सही आंसर है। अच्छा देखो 50 के अंदर लिखा है, 50 के अंदर एक सेकंड, ये थोड़ा सही आना है, अरे सही आना मेरे चाचू, तो 50 के अंदर क्या लिखा है, 50 के अंदर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, अब वो चार ऑप्शन में से कोई सा, कौन सी चीज कंपाउंड नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइम, लाइम एयर, उसके बाद सोडियम, देखो वाटर भी कंपाउंड है, कार्बोनेट भी कंपाउंड है, लाइम जो होता है ना लाइम, वो चूने को बोलते हैं, चूना लगा सकता है, मैं भी आपको लगा सकता हूँ, दुनिया में कोई भी किसी भी होता है, पाकिस्तान में तो बहुत लगाया जाता है, तो आप एक काम करो भाई और हर किसी के ऊपर भरोसा ना करो, तो चूना देखो सही है, तो चूना ना लेकिन एक कंपाउंड है कार्बोनेट CaCO3, तो चूने के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा है, लेकिन चूना एक कंपाउंड है, ये तो ये तीन हैं, लेकिन इसमें से कंपाउंड नहीं है, एयर एक मिक्सचर है, मैं पहले, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि एयर इसमें से कंपाउंड नहीं है, पूछा है नॉट अ कंपाउंड। अच्छा इसके बाद 51 पे लिखा है फॉर्मूला ऑफ फेरिक, फेरिक सल्फेट, तीन चार ऑप्शन दिए मैं, बहुत ज़्यादा खस्ता मेरी बुक की तो सही से अंदर नहीं आ रहा, FeSO4 मैंने Fe2SO23, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ मेरी बात पे, Fe4N23 तीन है FeSO43 और चौथा Fe2SO4, भाई इसमें से जो सही ऑप्शन है वो सी का है, Fe2SO43, जहाँ तक मुझे याद कि फेरिक सल्फेट का यही फॉर्मूला होता है, कि अगर आप वेरीफिकेशन कर लो सीधा जाओ गूगल फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट, गूगल के अब्बू आपको बता दे मेरी बात, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर में फोकस क्यों खराब करते हो अंकल चाचू मेरे, 52 के अंदर लिखा हुआ है अ मिक्सचर हूज कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू मिक्सचर इज कॉल्ड, भाई देखो एक ऐसा जो के थ्रू बोलूँगा ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा, जैसे रूह अफजा बहुत पिया ना तुम, अगर आप बनाते हो तो ऊपर से एक ही फेज होता है उसका, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, तो उसका आंसर जो है ना वो है होमोजीनियस मिक्सचर, हाइड्रोजीनियस जो ऊपर से लेके नीचे तक नहीं होता, ये हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उनके की कमी थी तो उन्होंने फजूल में ये डाल दी, लेने देना नहीं यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। 53 के अंदर पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ मोल्स, क्यों फोकस खराब करते हो चंदा, 53 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स 6 ग्राम के अंदर हमने मालूम करने कितने प्रेजेंट, ये मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये बहुत आसान सा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, मेरी बात तो मास आपको गिवन है 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर होता है 12, 6 को 12 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, करवा दिया फिर भी मैंने। 54 के अंदर लिखा हुआ है 1 cm³ इज इक्वल टू डैश m³, यार देखो ये बड़ी ऑप्शन है और बड़ी वाली खुआरी वाला ये जो है ना, आपको कैसे यार इसको सॉल्व करना बड़ा खुआरी है, मैं बताता हूँ चलो जगह तो है नहीं यार, मैं ये वाला क्वेश्चन ना एंड में करवा दूंगा ठीक है 54 वाला। अब देखो इसके बाद 55 पे लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर नजर आ रहा हो लिखा है 55 के अंदर लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब पहला ऑप्शन है ए 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये सही ऑप्शन है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है अभी, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, ये भी सही ऑप्शन है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो बराबर है 273 केल्विन की या 32 डिग्री फॉरेनहाइट की, तीनों बराबर हैं बस यूनिट्स अलग अलग, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ दीस, ये इसका सही आंसर। अब देखो 56 पर आ जाओ, 56 के अंदर 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स, ये सारे ऑप्शन लिखे हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन ये आप करोगे बहुत आसान सा है, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इसका आंसर है वैसे 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मैंने सॉल्व किया है, लेकिन
पिछली वाली वीडियोस के अंदर सॉल्व करवा चुका हूँ। फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है। फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला अब से सॉल्व कर सकते। 57 एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये तो भाई फॉर्मूला याद कर लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6H12O6। अगर सही से नजर नहीं लिख लेता हूँ, C6H12O6। अब देखो इसके अंदर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। आप क्या करो, इसके अंदर सबसे छोटा नंबर है 6, आप 6 को सबसे यानी 6 को इससे भी डिवाइड कर दो। 6 वन 6 कार्बन की वैल्यू हो गई 1, 6 6 2 12 की एक हो गया, हाइड्रोजन दो हो गए, और 6 वन 6 ऑक्सीजन कितना हो गया, एक हो गया CH। ये हमारा सही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे लिखा CH2। 58 पे लिखा हुआ है द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। अब अगर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है आइन होता है, सही है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो कैटाइन होता है, सही है। तो यहाँ पे एनाइन हमारा ऑप्शन है। अंदर क्या लिखा है, 59 के अंदर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑल ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड एक्सटर्नली टाइनी पार्टिकल्स। के जितने भी आपको पता है ना डेल्टन की थ्योरी, उसके बाद क्या बताया, मैटर है, जो भी मैटर है छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और उन नाम क्या है, कॉल्ड एटम्स। फजूल बात पूछी हुई है, 9 क्लास के बच्चों वाली बात पूछी हुई है। 60 के अंदर क्या बोलना है, द एटम ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये द एटम ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, मतलब एक एटम जो कौन से स्मॉलर पार्टिकल्स को शूट करता है, लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर। अच्छा मतलब उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल पूछ रहे हैं कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या सारे हैं। भाई सारे ही हैं, ऑल ऑफ दी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मतलब घर में अम्मी हैं, अबू हैं और बच्चे, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, मतलब यार क्या फजूल बात करते हैं यार। 61 के अंदर लिखा हुआ है एस आई सिस्टम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, भाई एस आई सिस्टम वॉल्यूम का जो यूनिट मीटर क्यूब, तो यहाँ पर टिक हुआ है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ऑप्शन 61 के अंदर। 62 के अंदर 22.4 डेसीमीटर क्यूब मोनोऑक्साइड इज डैश 22.2 क्यूब ऑफ SO2। भाई वो बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ऑप्शन के अंदर बोल रहे हैं कि इज हैवियर देन ग्रेटर देन या इक्वल देन या सेम काइनेटिक, इसका आंसर जो है ना वो है लाइटर देन। मैं आपको बताऊं क्यों, 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइटर देन, इस इस लाइटर देन 22.4 डेसीमीटर सल्फर डाइऑक्साइड। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास कम है और सल्फर मॉलिकुलर मास ज्यादा है। कार्बन मॉलिकुलर मास है 44 और सल्फर डाइऑक्साइड का 64, तो भी अकल है, मुझे भी अकल है, प्लीज लाइटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर होगी सल्फर डाइऑक्साइड। 63 पे लिखा है इज द न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉम। अबे पहले बताया कि 1 अपॉन मास ऑफ कार्बन 12, तो इसके अंदर कार्बन 12 नजर आ रहा है ना, तो मैं कार्बन 12 ही नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किसी भी चीज का, किसी भी एटॉमिक मास डिटरमाइन कर, तो ये कार्बन 12 आपका सही आंसर है। 64 पे लिखा हुआ है 45,000 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। 45,000 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो बताया था लास्ट के जीरो होते हैं जब उनमें कोई मौजूद नहीं होता। अब 45,000 के अंदर ना बीच में मौजूद नहीं है, तो जीरो काउंट नहीं होंगे, शुरू वाले दो काउंट होंगे, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ भी हो रही है अब, बस अब देखो, अब 65 के अंदर बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन, नज़र आ रहा है तुम्हें कुछ, अल्लाह हुआ, देखो नज़र ना आ रहा हो तो मुझे तुम्हें, अबे इधर आओ एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा मोबाइल, सबर। अब देखो तुम्हें ये वाला नजर आ रहा है क्या, ये वाला 65 पे लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेशन If two or more atoms that can act independently, भाई वो बोल रहे हैं दो और दो
एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एटम तो है ही नहीं इसका आंसर, आयन भी नहीं है, नन भी नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद लंबी मुझे अजीब सा लग रहा है हाथ में पकड़ के पढ़ाना, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब एक सेकंड, देखो भैया एडजस्ट तो हो गया। अब देखो एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे 66 के अंदर लिखा हुआ है द फोर्स विच द अर्थ इक्विटी एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब वो बोल रहे हैं कि कौन सी ताकत ऐसी है जो कि जमीन आती है किसी बॉडी को अपनी तरफ, तो वो फोर्स, देखो मास भी नहीं कहलाता, एटॉमिक मास भी नहीं कहलाता, ये तो गलत है। अब क्या है वेट और ग्रेविटी फोर्स, देखो मेरे नज़दीक सही आंसर है लेकिन ग्रेविटी एक उसी फोर्स का एक्चुअल में नाम है, तो मैंने ग्रेविटी फोर्स को, तो ये मेरे नज़दीक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे वेट और दोनों सही ऑप्शन है। 67 लिखा हुआ है अ प्योर केमिकल कंपाउंड बेस कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन रेशो वेट इज कॉल्ड, भाई ये एक की केमिस्ट्री के अंदर ना चैप्टर उसका एक लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये याद कर लो, रट्टा लगाने वाले याद नहीं करो तो दफा करो, नहीं है। 68 के अंदर लिखा हुआ है पी सी और आगे रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान बना हुआ है, रिएक्शन का निशान है आगे पीछे भी आ रहा है सही ना, तो लिखा हुआ है 5 और ये का निशान लिखा हुआ है, फिर पी प्लस सी एल टू इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अबे यार क्या नीचे ऑप्शन है इनकम्प्लीट रिएक्शन, रिवर्सिबल भी गलत है और कम्प्लीट गलत है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होता। 69 पे आ जाओ, 69 मुझे माफ़ कर देना, मेरा हरगिज मतलब ये 69 के अंदर लिखा हुआ है एनी चार्ज पार्टिकल इज, भाई जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, आयन। आयन 1973 70 के अंदर 0.5 हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बोल रहे हैं 760.0 जो है ये चार डिजिट्स हैं। अब इसके अंदर कितने फिगर्स हैं, ये चारों के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि इस नंबर पॉइंट मौजूद हैं, नहीं नज़र आ रहा तो 760.0 लिखा हुआ, ये तो दोनों जीरो भी काउंट किए जाए। अब 71 के अंदर लिखा है विच यूनिट ऑफ प्रेशर, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बी का ऑप्शन देखो, बी के ऑप्शन में अपॉन मीटर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट सही आंसर, और डी पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ए होती है, सी वाला ऑप्शन नहीं किया, डी वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि गलत है तो ऑल ऑफ दीज नहीं, इसलिए बी वाला ऑप्शन न्यूटन अपॉन मीटर सही है। अच्छा जो 22 पे लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ टेंपरेचर इज केल्विन, अब जरूरत भी नहीं है, तो विच इज नॉट अ यूनिट, 73 पे नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर बार और एटमॉस्फेरिक, भाई देखो मोल पता है प्रेशर का यूनिट ही नहीं है, इसका यही आंसर है मोल इसका, क्योंकि बार भी प्रेशर का यूनिट है, टॉर भी प्रेशर और एटम भी प्रेशर का यूनिट है। अच्छा इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ, पढ़ के रॉन्ग नहीं है, व्हाट इज ऑफ 1.5 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप 1.5 मोल है ऑक्सीजन के तो बताएं इसका, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल, आपको क्या पता है मॉलिक्यूल पता है ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो बराबर होता है O2 मास हो जाएगा 32, तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट करोगे 1.5 और मास निकाल लोगे, इतना आसान है। क्वेश्चन में पहले बहुत करवा चुका हूँ पिछली के अंदर, तो वहाँ से जाके देख सकता हूँ अगर नहीं देखा तो। 70 या 75 के अंदर लिखा है व्हाट पावर ऑफ एटम्स इन 22.4 डेसीमीटर क्लोरीन गैस एट एसटीपी, फिर मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि फजूल में बहुत सारे टाइम लगा चुका हूँ ऑलरेडी पिछली, तो मैं इस पर सिर्फ क्या है लगेगा वॉल्यूम डिवाइडेड मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखो वॉल्यूम की जगह पे तो आप क्या पुट कर दोगे 0.4, सही समझ रहे हो मेरी बात, वॉल्यूम हर किसी का फिक्स होता है, मोलर वॉल्यूम ये जो करके लिखा हुआ है मोलर वॉल्यूम हर किसी का फिक्स होता है 20 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आएगा नीचे भी आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 0.23। अरे भैया भाई 70 बोले 3.01 एक्सपोनेंशियल
मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ वेट, यार ये मेरे करें क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैं नहीं करवा रहा। इसका फॉर्मूला समझ लो, मास अपॉन मॉलिकुलर मास टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये इसका फॉर्मूला, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लो। 77 के अंदर भी वही ये बोल, मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर टू, इसके अंदर भी अंदर आप पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोल के अंदर मास होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एक सेकंड सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। नंबर ऑफ मॉलिकुलर मास निकाल के एच टू एस ओ फोर का वो 98 आता है, वो इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना निकलेगा 98 ग्राम निकलेगा, ये इसका। अब देखो भैया आ जाओ आ जाओ, 78 के अंदर लिखा हुआ है, नजर आ रहा हो तुम्हें तो 78 के अंदर लिखा हुआ है, एक सेकंड ये आगे फोकस नहीं कर रहा। 78 के अंदर लिखा हुआ है द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है भाई, बड़ा सिंपल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैटायन कहलाता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनायन कहलाता है। उसके बाद 79 के अंदर पूछ रहे हैं, 79 के अंदर, हाँ ये अब 79 वाला एक नंबर है, हलाल नंबर 79। अ चेंज इन विच एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बॉन्ड्स इज कॉल्ड, भाई वो बोल रहे हैं केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ घर बनते हैं, बस यही है, कुछ कुछ बॉन्ड बनते हैं वो केमिकल चेंज हो जाता है। अब 80 के अंदर लिखा है 1.046 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल होता है, जीरो जो नॉन जीरो में आते हैं उनको काउंट किया जाता है, तो दो जीरो जो आ रहे हैं 1.0046 आ रहे हैं, नॉन जीरो आ रहे हैं तो उनको काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे पांच सिग्निफिकेंट यानी सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। अब 81 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है 46 ग्राम मेटल कंटेन्स, ये अब मैं बिल्कुल जहर लग रहा है मुझे ये वाला कुछ, फॉर्मूला समझ लो, मास इन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो अभी आप कर सकते हो। 82 के अंदर बोल रहे हैं एन आयन इज अट्रैक्टेड, भाई एक एन आयन जो होता है, एक एन आयन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सी प्लेट की तरफ जाएगा, वो एनोड होगा, क्योंकि एनोड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है। अब एनोड पॉजिटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा, एनोड पे एनायन आएगा और कैटायन आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये सारे। अब ये मेरा स्कोर नहीं चेक करना, ये तो मेरा उस जब मैंने एक करी थी अनीस की बुक्स है, तो मेरा 68 मार्क्स ओवर मार्क्स, ठीक है, तो ये मेरा स्कोर अपना खुद ही कर लो जो भी है। अच्छा देखो यहाँ पे वो दी हुई है, ये पूरी ना वो दी हुई है आंसर की, तो आप यहाँ से भी चाहो तो देख सकते हो मैंने कुछ गलत किया हुआ है कुछ सही किया हुआ है, तो सही है बस यहीं तक था, उम्मीद है कि होगा मेरी बातों आपने लिया होगा, तो आइए अच्छे लगे तो भाई को सब्सक्राइब किया बगैर यही गुजारिश है आपसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट और अच्छा लगे तो घर पे ही ना, ठीक है।